वंदितु सव्य सिद्धे ध्रुवम चल मणुमवं गदिं पाते वोचामि समय पाहुडु मिणिमो सुद केवली गणिदम। समय सार परमागम और इस ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंद जो है एक ज्ञानी के जीवन में किस प्रकार का परिग्रह होता है या नहीं होता है, और होता है तो किसे परिग्रह कहाँ है, ये बात बता रहे हैं। ऐसा ज्ञानी बाहर में परिग्रह होने मात्र से जो है बंध को प्राप्त नहीं होता है। ये चर्चा वैसे तो मैं बहुत फास्ट फास्ट आपसे कर ली पिछली बार, लेकिन इस पे गंभीरता से सोचें तो बहुत कुछ निकल के आती है। समाज में जो विसंगतियां हैं वो सब भी अपेक्षा भेद से दूर हो जाती है, बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है। कुछ ऐसी बातें हैं जिनको मैं कहूँ तो हो सकता है बहुत लोगों को अच्छी ना लगे, ऐसा भी है, ऐसी भी बात है मेरे पास, लेकिन मैं क्या करूँ, डरते डरते थोड़ी सी कहता हूँ, कहनी नहीं चाहिए ओपनली, लेकिन कहता हूँ। देखिए वो बात ऐसी समझने योग्य है, आजकल जैसे कई बार व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेज आते हैं कि किसी ने भगवान के यहाँ पर जैसे चंदन लगा दिया है, किसी ने मुकुट लगा दिया है, किसी ने कुछ फल चढ़ा दिए हैं, तो मूर्ति पूजनीय नहीं है, ऐसा बोल देते हो। लेकिन ये भी थोड़ा सा अतिरेक हो गया ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं मैं कितना ठीक हूँ, लेकिन मेरा ये सोचना है, मेरे पास इसके अब अगेंस्ट में एक दूसरा तर्क है। वो तर्क ये है कि क्या हमारे रागी बना देने से क्या भगवान रागी हो जाते हैं? यदि हमारे बनाने से रागी हो जाते हैं तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो हमारे बनाने से तो कोई रागी हुआ नहीं है, है ना, भगवान तो भगवान है, ये तो भक्त अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं करते हैं, ये बात बहुत लोगों को पसंद नहीं आती है ना, और इस बात पर बड़े झगड़े हैं। लेकिन फिर भी मैंने कि चलो ये बात, मेरे पास और भी बहुत तर्क है इस बारे में, बहुत लंबा चिंतन है इसके बारे में, और पूरा लेख भी लिखा है, कभी आपको भेज देंगे उसको पढ़िएगा आप। मतलब इसमें एक बहुत बड़ा सामंजस्य हमको बिठाना पड़ेगा, बहुत बड़ा सामंजस्य, बहुत गंभीर बात है वो, आसान नहीं। चलो वो लेख पूरा ही भेजेंगे आपको, तो अभी पढ़िएगा उसको। अभी आगे की जो बात है, देखो ना इसमें एक दो तर्क ये भी है। अच्छा, चंदन लगाने से यदि भगवान अपवित्र हो गए तो अब क्योंकि वो उनका लॉजिक है वो परिग्रह हो गया, अरे आपके करने से थोड़ी परिग्रह हो गया, ऐसे तो समोसरण में इतना परिग्रह रहता है तो फिर वहां भी प्रॉब्लम हो जानी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम वहां नहीं है। तो ऐसे करके हमें बहुत सामंजस्य से समझना पड़ेगा, भगवान तो एक ही है, भगवान महावीर की हजारों लाखों मूर्ति पूरे भारत में है, है? अब लेकिन हजारों महावीर थोड़े हुए हैं, महावीर तो एक ही है। दिगंबर मूर्ति भी महावीर को ही दिखाती है, श्वेतांबर मूर्ति भी महावीर को ही दिखाती है, एक महावीर है। ये मूर्तियां तो प्रतीक हैं, ये हमारी प्रतिष्ठित हैं, लेकिन एक महावीर की याद दिलाती है। तो इस तरह से थोड़ी सी सामंजस्य की दृष्टि थोड़ी सी तो होनी चाहिए, बहुत एकाएक किसी को एकदम ऐसा नहीं कि अरे टोटली रॉन्ग है, ऐसा नहीं, टोटली रॉन्ग नहीं कोई भी, सबकी अपेक्षा भेद है। हालांकि इसमें थोड़ी सी मैं कितना सही हूँ कुछ मालूम नहीं। चलो अभी मूल विषय पर आते हैं, ये तो थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सियल विषय है, बहुत ज्यादा है, इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। देखो अपनी मूल गाथा, एक मिनट कहाँ चली गई, मूल गाथा निकालता हूँ, इधर गई। ये मूल गाथा शेयर करता हूँ, आज बहुत सारी गाथाएं इकट्ठी एक साथ आ रही हैं, और वो गाथाएं जो है बहुत सरल हैं। अपरिग्रहो अनिच्छो भणिदो नाणी अनिच्छदे धम्मम् अपरिग्रहो दुधम्मस्सो जानगो तेण सो होदी। एक जैसी गाथा है सब। अपरिग्रहो अनिच्छो भणिदो नाणी अनिच्छदे अधम्मम् अपरिग्रहो अधम्मस्सो जानगो तेण सो होदी। अपरिग्रहो अनिच्छो, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है क्या, थोड़ी सी कुछ आगे पीछे हो रही है गाथा है ना, इसमें आगे पीछे है, लेकिन आपकी किताब में देख लेना आप। अपरिग्रहो अनिच्छो भणिदो नाणी अनिच्छदे असुणम् अपरिग्रहो दुःअसुणस्सो जानगो तेण सो होदी। अपरिग्रहो अनिच्छो
भणि दोणाणी अणेच्छदे पाणम अपरिग्रहो दुणावना पाणस जानगो तेण सो होदी ए मादिये दुद्दिविहे सव्ये भावे अणेच्छदे नाणी जानग भावो नियतो निरालंबो दुसौवत्थो। ये जो है कितनी पांच गाथाएं हैं, ये पांच गाथाओं में चार गाथाएं तो बिल्कुल एक जैसी है, बस थोड़ा थोड़ा इनमें एक एक शब्द बदला है ना, और एक गाथा समझने से बाकी की गाथा अपने आप समझ में आ जाती है। देखो फिर भी इसका शब्दार्थ थोड़ा देख लीजिए, अपरिग्रहो अनिच्छो, कि जो अपरिग्रही जीव है वो कैसा होता है कि वो अनिच्छुक होता है। कोई अच्छा जैसे किसी को पूछा जाए बताओ भाई अपरिग्रही कैसा होता है, तो एक बालक कहेगा देखो उसके पास कुछ नहीं होगा, कपड़े भी नहीं होंगे, खाने पीने कोई मैं कोई एकदम ऐसा हो कि नहीं नहीं हो या ना हो, होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। वो क्राइटेरिया ही नहीं है, क्राइटेरिया है कि वो अनिच्छुक होना चाहिए, होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा है। तो अपरिग्रह कैसा होता है, अनिच्छुक। देखो अभी बीच में एक बात याद आ गई, वो बाद में भूल जाते हैं इसलिए बताते हैं। जैसे क्या है, यदि बाहर में परिग्रह ना हो, बाहर में परिग्रह ना हो किसी के पास और उससे वो अपरिग्रही बन जाए तब क्या होगा, तब तो ये जो पशु पक्षी है ना ये अपरिग्रही कहलाएंगे, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है, ना कोई बैंक बैलेंस है, ना पहनने को कपड़े हैं। नारकियों के पास क्या है बताओ, कुछ भी नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है वहां, तो वो सब अपरिग्रही हो जाएंगे। दरिद्र मनुष्य होते हैं तो वो बेचारे सब अपरिग्रही हो जाएंगे। तो ये परिग्रह की जो रूपरेखा है वो बाहर से नहीं है, अंदर से। ये बड़ी गंभीर बात है, धर्म जो है बहुत अंदर की बात है, पाप भी अंदर की बात है, बाहर से दिखता नहीं पापी कौन है। पापी कौन है ये भी बाहर से पता नहीं चलता, धर्मात्मा कौन है, पुण्यशाली कौन है ये भी बाहर से पता नहीं चलता, सब अंतरंग में। तो अपरिग्रहो अनिच्छो भणिदो नाणी अनिच्छदे दम्मम, और वो नाणी मतलब जो ज्ञानी है, अपरिग्रही है, ज्ञानी है, अनिच्छुक है, वो नेच्छदे न इच्छदे नहीं चाहता धम्मम यानी धर्म को, वो धर्म को भी नहीं चाहता। क्या गजब बात है, धर्म को भी नहीं चाहता। नहीं, धर्म का यहाँ कुछ विशेष अर्थ है वो बताएंगे, अभी सिर्फ शब्दार्थ देख लीजिए। अपरिग्रहो दु धम्मस्य, इसलिए वो धर्म का अपरिग्रही है, तो कैसा है, जानगो तेण सो होदी, इसलिए तेण माने इसलिए, सो माने वह, जानगो होदी वो ज्ञायक है, वो परिग्रही नहीं है, वो ज्ञायक है। अपरिग्रहो अनिच्छो, अब वो सीधे एक एक पंक्ति समझ में आ गई, एक गाथा चार गाथा तीन गाथा एक जैसी है। अपरिग्रही अनिच्छुक है, अनिच्छुक को अपरिग्रही कहा है, भणी तो है ना कहा है, नानी न इच्छदे अधम्मम, जस्ट अपोजिट कर दिया, ऊपर की गाथा में कहा था धर्म को नहीं चाहता, नीचे की गाथा में कहा अधर्म को भी नहीं चाहता, इसलिए वो अधर्म का अपरिग्रही है, इस कारण से वो सिर्फ जानगो होदी ज्ञायक होता है, वो सिर्फ ज्ञायक होता है, परिग्रही नहीं होता है। ये बीच में जो गाथा आई है ना, इस गाथा को भी नीचे बाद में समझाएंगे अपन, अभी तो क्योंकि ये मूल जो क्या बोलते हैं आत्मख्याति टीका के क्रम से चल रहे हैं अपन, तो आत्मख्याति के क्रम में नहीं है ये, तात्पर्यवृत्ति के क्रम में है, लेकिन इसकी भी चर्चा करेंगे। अपरिग्रहो अनुच्छो भणिदो नाणी अनिच्छदे असनम, असनम यानी होता भोजन, भोजन की भी वो इच्छा नहीं करता है, इसलिए भोजन का अपरिग्रही है ना, परिग्रह नहीं है इसके भोजन का भी, पास में भोजन है, भोजन सामग्री है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी भोजन का परिग्रही नहीं है, केवल ज्ञायक ही बना रहता है। भोजन करेगा करेगा खाएगा, यहाँ प्रश्न ऐसा होता है कि अरे बिना इच्छा के कैसे भोजन है, आप तो कह रहे हो अनिच्छुक है वो, भोजन करने की इच्छा नहीं है, तो बिना इच्छा के पेट में क्या भोजन चला जाएगा, ऐसा भाई सीधी बात है, तो बिना इच्छा के कोई कैसे खा सकता है, खाता है इसका मतलब इच्छा तो होती होगी कुछ, ये बहुत सीधी बात है। तो यहाँ पर उसका अर्थ किया है बाद में, क्या अर्थ किया है, उसके इच्छा की इच्छा नहीं है, ऐसा अर्थ किया है,
कैसी इच्छा है और वो उस इच्छा की इच्छा क्यों नहीं है ये भी समझाएंगे, लेकिन पहले शब्दांश पूरा कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसी प्रकार अगली पंक्ति में असनम की जगह पानम, यानी कि उसको पानी की भी है, ऊपर असनम यानी भोजन, पान यानी पानी, पानी की भी इच्छा नहीं है, वो पानी का भी अपरिग्रही है, इसलिए वो जान क्या है मतलब। ठीक है, इसके बाद चार गाथा हो गई, चार में एक एक शब्द बदला है, धर्म अधर्म भोजन और पानी, न धर्म की इच्छा है न अधर्म की इच्छा है न भोजन की इच्छा है न पानी की इच्छा है, इन चारों का ही वो अपरिग्रही है, वो तो सिर्फ ज्ञायक है। ठीक है, अब अंतिम जो गाथा बची है उसका और देखिए, एमा दिए दु विविहे, इस प्रकार एमा दिए इसी प्रकार और भी विविधे यानी बहुत प्रकार के सव्वे भावे यानी सभी भावों को न इच्छदे नानी, हमने चार गिनाए हैं लेकिन आप और भी जितने भी है सब लगा लेना, ऐसा कह दिया, और भी जितने भी है वे सभी प्रकार के भावों को ज्ञानी नहीं चाहता, जानक भावो नियतो, और वह तो नियत एकदम फिक्स नियत नानक भाव ज्ञायक भाव है, निरालंबो है निरालंबी है, सब पथ यानी सभी प्रकार पूरी तरह से निरालंबी, निरालंबी का मतलब है किसी भी परद्रव के आश्रित नहीं है, परद्रव पर डिपेंड नहीं है, एकदम पूरा इंडिपेंडेंट निरालंबी, एकदम आलंबन होता है आलंबन, किसी न किसी का आलंबन यानी सहारा, और निरालंब यानी सहारे से रहित, उसको परद्रव का कोई सहारा नहीं, कुछ नहीं। आप कहोगे बहुत असहाय है, तो असहाय हो गया कि नहीं नहीं केवल ज्ञान को भी असहाय कहते हैं, क्यों, क्योंकि जिसे किसी की सहारे की जरूरत नहीं है वो भी असहाय होता है। जगत में असहाय का अर्थ थोड़े से नेगेटिव वे में है, और यहाँ असहाय का अर्थ पॉजिटिव वे में है। देखो नेगेटिव ऐसा है, अरे बेचारे का कोई सहारा नहीं है असहाय है, ये तो वह नेगेटिव अर्थ, और वो यहाँ कैसा अर्थ है कि वो उसे सहारे की जरूरत ही नहीं है, ऐसा अर्थ है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है गाथाओं का मूल शब्दार्थ हुआ। एक बार हिंदी पाठ, यानी छुक अपरिग्रही ज्ञानी न चाहे धर्म को, है परिग्रह न धर्म का वह धर्म का ज्ञायक रहे, है अनिच्छुक अपरिग्रही ज्ञानी न चाहे अधर्म को, है परिग्रह न अधर्म का वह अधर्म का ज्ञायक रहे, है अनिच्छुक अपरिग्रही ज्ञानी न चाहे असन को, है परिग्रह न असन का वह असन का ज्ञायक रहे, है अनिच्छुक अपरिग्रही ज्ञानी न चाहे पेय को, है परिग्रह न पेय का वह पेय का ज्ञायक रहे, इत्यादि विद विद भाव जो ज्ञानी न चाहे सभी को, सर्वात्र ही वह निरालंबी नियत ज्ञायक भाव है। समझ में आया कुछ, ये जो मूल गाथा है मैंने फटाफट फटाफट आपको शब्दार्थ बता दिया है, लेकिन यहाँ पर एक दो चीजें दिमाग में बड़ी खटकती है। एक तो ये खटकती है कि ये धर्म को भी नहीं चाहता, ये क्या बात हुई, अधर्म को न चाहे वो तो ठीक, धर्म को क्यों नहीं चाहता, एक प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि यहाँ पर कहा कि धर्म को नहीं चाहता, अधर्म को नहीं चाहता, भोजन को नहीं चाहता, पानी को नहीं चाहता, चार ही बात क्यों की नहीं है, दूसरी भी बहुत बात है, इनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, कम से कम उनका नाम ले देते, ये चार तो बिल्कुल ही हल्की फुल्की बात है एकदम, है भोजन पानी की क्या बात करना, कुछ दूसरी बात करते कि वो स्त्री को नहीं चाहता, पुत्र को नहीं चाहता, परिवार को नहीं चाहता, धन को नहीं चाहता, कोई बहुत दूसरी बात भी तो बहुत है जो इनसे भी ज्यादा बड़ी बड़ी है, ये तो बहुत छोटी छोटी वाली बात, ऐसा क्यों, ये दो प्रश्न है। पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं, क्या होता है कि जो ये बातें लिख रहे हैं ये आचार्य कुंद कुंद लिख रहे हैं, और कुंद कुंद का जो जीवन है खुद का, वो खुद के लिए लिख रहे हैं, मानो अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, वे मुनिराज की भूमिका में, आचार्य मुनिराज जो भी, तो वो जो मुनिराज की भूमिका में
उनके जीवन में कोई घर परिवार स्त्री पुत्र धन जायदाद रुपया पैसा कुछ भी तो नहीं होता। क्या होता है उनके जीवन में, किस चीज का परिग्रह मुनिराज के पास? या तो आहार लेंगे, आहार पानी, धर्म अधर्म, पुण्य पाप। यहाँ धर्म अधर्म का अर्थ है पुण्य पाप, कैसे है वो भी बताते हैं। लेकिन मुनिराज के जीवन में शुभोपयोग बहुत होता है, अशुभ उपयोग कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाता है, शुद्ध उपयोग भी होता है, तीनों प्रकार के उपयोग होते हैं। ठीक है, तो अब शुद्ध उपयोग तो अच्छी बात है, लेकिन शुभोपयोग यानी धर्म और अशुभोपयोग यानी अधर्म, ये व्यवहार की भाषा है, निश्चय की भाषा नहीं है। व्यवहार से धर्म का मतलब होता है पुण्य, और व्यवहार से अधर्म का अर्थ होता है पाप, ऐसा मीनिंग है। तो इस प्रकार उनके जीवन में, खुद मुनिराज के जीवन में धर्म यानी शुभ भाव होते हैं, अधर्म यानी अशुभ भाव होते हैं, लेकिन उन शुभ अशुभ दोनों ही भावों को भी मुनिराज नहीं चाहते हैं। आहार लेते हैं, पानी भी लेते हैं, तो आहार पानी का भी वो एकदम इच्छा पूर्वक नहीं लेते हैं, है ना। तो ये चार बातें उनके अपने जीवन की है, इसलिए वो ऐसी बातें समझा रहे हैं। और अंतिम पंक्ति में कह दी, भैया आप भी देख लेना अपने हिसाब से और क्या क्या है आपके पास। मैंने तो मेरी चार बातें बता दी, अब आप भी अपने पास जो जो है वो सब देख लेना और बहुत सारी गाथा बना लेना। अपरिग्रहो अनिच्छुक, अपरिग्रहो अनिच्छो भणी दो, नानी अनिच्छदे धनम, धन नहीं चाहता। कलत्तम स्त्री नहीं चाहता, पुत्तम पुत्र नहीं चाहता। आप लगाते बैठना जितना जो है आप ऐसे। तो कहने का मतलब ये जो है बड़े लेवल की बात, मुनिराज की लेवल की बात है, इसलिए ऐसी बात। अब जो रही बात कौन सी, कि ये जो पुण्य का अर्थ, मतलब धर्म का अर्थ पुण्य, ये कौन सा मीनिंग भाई, ये तो कभी सुना नहीं, ऐसा लगता है अरे ये कोई मीनिंग है कि हाँ, लोक व्यवहार की भाषा में ये भी एक मीनिंग है। ये भी एक मीनिंग है, कैसा मीनिंग निकलता है जरा, ये वाली स्लाइड एक मिनट, हाँ ये वाली स्लाइड देखो, इससे थोड़ा समझ में आएगा। व्यवहार धर्म का क्या अर्थ है, व्यवहार अधर्म का क्या अर्थ है, निश्चय धर्म का क्या अर्थ है, निश्चय अधर्म का क्या अर्थ है ना। व्यवहार धर्म माने होता है पुण्य, ठीक है। यहाँ जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो निश्चय धर्म की बात नहीं कर रहे, व्यवहार धर्म की बात कर रहे हैं। व्यवहार धर्म यानी शुभ भाव, पुण्य भाव, व्यवहार अधर्म यानी पाप भाव, अशुभ भाव, और निश्चय धर्म यानी जो पक्के में बिल्कुल सच्चे में ही यानी शुद्ध भाव, ये है असली धर्म, निश्चय धर्म। और निश्चय से अधर्म, पुण्य पाप दोनों ही, जब शुभ भाव ही अधर्म है तो अशुभ की क्या बात करे, है ना। तो ये इस प्रकार की यहां भाषा है, इस प्रकार की ये भाषा, ठीक है। अब इसके आगे की बात समझो, चार बातें हो गई, और चार बातों में से धर्म अधर्म यहाँ किस अर्थ में आए हैं, व्यवहार के अर्थ में आए हैं, ठीक है। अब इसके आगे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो परिग्रह है वो मूर्छा का नाम है। देखो एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ, टीका का पैराग्राफ है 231 पेज पर। इच्छा परिग्रह, जिसको इच्छा नहीं है उसको परिग्रह भी नहीं है, ठीक है। जिसको इच्छा नहीं है उसके परिग्रह नहीं। अब भगवान को चंदन लगा दिया तो क्या उनकी इच्छा थोड़ी हो गई उसकी, तो उनके परिग्रह नहीं है, है ना। लेकिन देखो यहाँ थोड़ा बैलेंस ये भी रखना कि भक्तों की क्या जिम्मेदारी, फिर वो भी सोचना है ना। मतलब दोनों ही बातें हैं दोनों तरफ से। तो भाई जो भगवान का असली स्वरूप है वो ही बना रहे हैं, ठीक है, क्या करना। और वे अपनी भक्ति भी दिखाते हैं, दोनों ही बातें हैं, तो सामंजस्य बराबर रहे। इच्छा परिग्रह है, जिसको इच्छा नहीं है उसको परिग्रह भी नहीं है। इच्छा तो अज्ञानमय भाव है, ये लाइन समझना। इच्छा किसे कहते हैं, अज्ञानमय भाव को। और ज्ञानी वो है, अज्ञान उसके है नहीं। ज्ञानी तो उसे कहेंगे जिसका अज्ञान में भाव नहीं होता। अज्ञान में भाव माने इच्छा। इच्छा किस कर्म से होती है, 8 कर्मों में से इच्छा किस कर्म से होती है, चारित्र मोहिनीय कर्म से इच्छा होती है। जितनी भी कसाएं हैं वो सब चारित्र मोहिनीय कर्म के डिपार्टमेंट में आती है, ठीक है। तो इच्छा होती है चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से। हालांकि चारित्र मोह ज्ञानी के है, लेकिन तीव्र वाला नहीं है। तीव्र वाला माने अनंतानंदी वाला नहीं है। इसलिए अज्ञान में भाव ज्ञानी के होते नहीं है, इसलिए इच्छा नहीं होती है। इसलिए इच्छा का रूप जो परिग्रह वो भी उसके नहीं होता,
है ना, ज्ञानी के ज्ञान में भाव ही होता है, अतः ज्ञानी के अज्ञान में भाव रूप इच्छा का अभाव होने से ज्ञानी पुण्य को नहीं चाहता, पाप को नहीं चाहता, भोजन को नहीं चाहता, पेय को नहीं चाहता और भी अनेक प्रकार के सभी भावों को नहीं चाहता। इस कारण ज्ञानी के पुण्य पाप और खान पान तथा अन्य सभी भावों का परिग्रह नहीं है। ज्ञानी तो ज्ञानमय एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण पुण्य पाप खान पान और अन्य सभी भावों का ज्ञायक ही है, सिर्फ ज्ञायक है, ज्ञाता दृष्टा है, उसकी भी इच्छा तो होती है। देखो यहाँ एक बात आएगी आगे, इच्छा तो होती है लेकिन इच्छा की इच्छा नहीं होती है, है? इस चीज को भी समझाए, आगे आएगा, ये कहीं लिखा है इसमें, कहीं लिखा है, आएगा, है ना। अभी इसके बाद देखिए कि यहाँ पर अभी बताया था ना चार बातें हैं कि चार गाथाएं हैं, ये विशेष रूप से परिग्रह का त्याग करा रहे हैं नामोल्लेख पूर्वक, एक एक का नाम ले लेकर, उसको बोलते हैं विशेष रूप से परिग्रह का त्याग। तो चार बातें बता दी और कह दी और भी लगा लेना। टीकाकार ने इस बात के लिए कहा कि और भी लगाना ना, तो मैं बताता हूँ देखो और क्या क्या लगाना। टीकाकार ने बताए, टीकाकार ने इनकी जगह पर 16 शब्द बदल बदल के प्रयोग करने को कहा है। पहले भी बताए थे जीवा जीवाधिकार में, वही राग लगा सकते हैं, द्वेष लगा सकते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नो कर्म, मन, वचन, काय, पांच इंद्रियां, ये सब जो है 16 पद बदल बदल करके लगाए जा सकते हैं। पांच इंद्रियों का की इच्छा नहीं होती कि पांच इंद्रियों के विषयों की इच्छा, ऐसा लगा ले, ठीक है। तो इस प्रकार से 16 शब्द बदल करके 16 और गाथाएं भी बनाई जा सकती है, ठीक है। इस प्रकार ज्ञानी के अत्यंत निष्परिग्रहत्व सिद्ध हुआ। ज्ञानी कैसा हुआ? निष्परिग्रह हुआ, एकदम निष्परिग्रह। ये परिग्रह संबंधी इतनी सारी बातें हैं, बहुत बातें हैं, बड़ी मनोरंजक कहानियां है। परिग्रह की ऐसी महिमा है कि जगत को सिर्फ रुपये पैसे का ही परिग्रह दिखाई देता है, अरे कितने रुपये हैं, कितना बैंक बैलेंस है, जबकि रुपया नाम का कोई परिग्रह 24 परिग्रहों में है नहीं, है ना। लेकिन ये रुपया सबसे बड़ा परिग्रह बन के बैठ गया है, नहीं तो भी क्यों बैठ गया, क्योंकि ये जो है भोग सामग्री की प्राप्ति का एक जरिया है, सामग्री को आदान प्रदान करने का, विनिमय करने का है वो जरिया है, इसलिए वो सबसे बड़ा परिग्रह बन गया, वास्तव में वो परिग्रह नहीं है। यदि वही परिग्रह हो गए तो एक गाय भूखी भी होगी और आप उसके सामने नोटों की गड्डी ऐसा डाल दोगे तो भी वो नहीं खाएगी उसको, है ना। तो कहने का अर्थ, और ये जो रुपया पैसा है सिर्फ मनुष्य गति में चलता है, बाकी तीन गति में नहीं चलता है, है ना। और भारत की करेंसी दूसरे देश में नहीं चलेगी, दूसरे की इधर नहीं चलेगी, तो इसकी कितनी लिमिटेशन है। ये परिग्रह तो बहुत हल्का है, है ना, लेकिन फिर भी सारी दुनिया इसको परिग्रह माने बैठी है और इसकी वजह से बहुत परेशानियां आ जाती है। जैसे एक परिग्रह परिमाण व्रतधारी ने परिग्रह परिमाण किया और जब किया था तब उसके मकान की कीमत 1 करोड़ रुपए थी, ठीक है। धीरे धीरे कीमत बढ़ के 2 करोड़ की हो गई। अब 2 करोड़ की हो गई तो बेचारा परेशान हो गया कि अब क्या करूं, मेरा तो परिग्रह प्रमाण की लिमिट क्रॉस हो रही है ना। तो ये जब रुपये को हम असली परिग्रह मान बैठते हैं तो दूसरी दूसरी परेशानियां खड़ी होती है। वास्तव में उसका जो परिग्रह परिमाण करने का जो तरीका है ना, वो पैसे के बेस पर नहीं हो करके वस्तुओं के आधार पर होना चाहिए। यदि वस्तुओं के आधार पर परिग्रह का परिमाण करेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। ऐसा कर ले कि मेरे पास एक मकान रहना चाहिए, ठीक है, चाहे वो 1 करोड़ का हो चाहे 10 करोड़ का हो, उससे क्या मतलब, एक होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे वस्तुओं की लिमिट की जाती है, रुपये की लिमिट नहीं की जाती, एक तो ये भी बात है। ऐसे और भी बहुत सारी बातें हैं। देखो 25-24 परिग्रहों में रुपया पैसा नाम का कोई परिग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा उसको महत्व मिला हुआ है। और 24 परिग्रहों में सबसे पहला परिग्रह मिथ्यात्व है, जिसको बारे में कोई जानते ही नहीं है, कोई अवेयर ही नहीं, जानकारी नहीं है, है? तो कहने का अर्थ, वास्तव में परिग्रह क्या है, अंतरंग परिग्रह ही सबसे बड़े परिग्रह हैं। इस बात को समझाते हुए कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नाम का एक ग्रंथ है, उसमें कहा है, बाहिर गंथ विहीना दलित मणुवासहावदो होंती अभ्यंतर गंथम पुण न सकदे को विचंडे दूं।
बाहिर गंध विहीना बहिरंग परिग्रह से रहित तो दरिद्र मनुष्य स्वभाव से ही दिखाई दे। कोई दरिद्र है, कुछ भी नहीं है, तो वैसे ही बाहर में परिग्रह नहीं है, ठीक है। लेकिन अभ्यंतर गंथम पूर्ण है, क्या अर्थ है इसका, अंतरंग परिग्रह को छोड़ने में कोई समर्थ नहीं। अंतरंग परिग्रह जो छोड़ दे वास्तव में असली अपरिग्रही वही है। बाहर का परिग्रह तो मजबूरी में छूट जाता है आदमी का, ऐसे ऐसे अष्टपाहुड़ में कुंद कुंद आचार्य का ही दूसरा ग्रंथ है। वो कहते हैं क्या कहते हैं, देखो बहुत समझाते समझाते ये कहते हैं, बाहर का परिग्रह कुछ मायने नहीं रखता, कुछ मायने नहीं रखता, अंतरंग परिग्रह सब कुछ है, वो रहा तो ऐसे ऐसे कहते हैं ना। तो उसमें से कोई छल ग्रहण करने वाला शिष्य बोलता है कि महाराज ऐसा है तो ठीक है, फिर एक काम करता हूँ, बाहर का परिग्रह तो मैं रख लेता हूँ, ठीक है, और मैं बस भाव से मैं रहूंगा कि ठीक है। ठीक है, ऐसा तो उसके लिए कहते हैं कि देखो बाहर में भी परिग्रह छोड़ना क्यों जरूरी है, जब बाहर का परिग्रह वास्तव में परिग्रह है ही नहीं, तो फिर दीक्षा क्यों लेना, क्यों क्यों सब छोड़ना, ऐसा भी तो लॉजिक कोई निकाल सकता है। तो उसका उत्तर भी दिया कुनकुन आचार्य, नहीं नहीं छोड़ना जरूरी है भैया, कैसे, भाव विशुद्धि निमित्तम, भावों की विशुद्धि चाहते हो तो ये परिग्रह छोड़ दो। मतलब यद्यपि बाहर का परिग्रह मायने नहीं रखता है, लेकिन आप इसके संग में रहोगे तो परिणामों में विकृति आने की भरपूर संभावना है। इसलिए भावों की विशुद्धि के निमित्त से बहिरंग परिग्रह का त्याग भी किया जाता है। हैं, बाहिर जाओ विहलो, और बहिरंग त्याग तब विफल हो जाता है जबकि अभ्यंतर ग्रंथ अभ्यंतर परिग्रह बना रहता है। अंतरंग में इच्छाएं हैं, अंतरंग में राग है, तो बाहर में चाहे जो भी छोड़ दो वो सब बेकार है, निष्फल हो जाता है। इसलिए बहिरंग परिग्रह भी छोड़ना जरूरी है। वैसे असली परिग्रह अंतरंग है, लेकिन बाहर का भी छोड़ना जरूरी है, ये बात यहाँ पर बताइए। समझ में आई बात, कैसी जबरदस्त है। इस बात से ये समझ में आती है बात, मैं पहले सोच रहा था जब गुण स्थान पढ़ाया था ना, उस समय मेरे दिमाग में भी ये प्रश्न चल रहा था। क्या प्रश्न चल रहा था, कि पांचवें गुण स्थान तक तो ग्रस्त है और छठवें सातवें गुण स्थान मुनिराज के, ठीक है। तो अब ग्रस्ती की एंड और मुनिराज की स्टार्टिंग वाला बीच के जो टर्निंग पॉइंट है वो कौन सा होगा, ऐसा मेरे बहुत चल रहा था कि भाई वो मुनि दीक्षा लेगा तब उसका गुणस्थान बढ़ेगा, या पहले गुणस्थान बढ़ेगा तो फिर दीक्षा लेगा, क्या करे, ऐसा मेरे चल रहा था दिमाग। और छठा गुणस्थान तो रिवर्स में आता है, इसलिए उसको जाने दो, ठीक है, उसको जाने दो, पांचवा और सातवां, ठीक है, पांचवें तक ग्रस्ती है, सातवें से मुनि है। अब बताओ वो पहले सातवां गुणस्थान आवे तब दीक्षा लेनी चाहिए, या पहले दीक्षा लेनी चाहिए तो सातवां गुणस्थान आवे, ऐसा चल रहा था। तो ये प्रश्न मैंने कई लोगों को पूछा है, तो इंदौर के एक विद्वान है विकास जी छाबड़ा, उन्होंने मेरे को उत्तर दिया कि देखो पांचवें गुणस्थान में व्यक्ति इतना ज्यादा अनासक्त हो जाता है कि एक प्रकार से मुनि जैसा ही जीवन हो जाता है उसका, और वहीं पर ही वो दीक्षा ले लेता है पांचवें गुणस्थान में। हमेशा दीक्षा पांचवें में होगी, चौथे में होगी अथवा पहले में होगी, तीन ही गुणस्थान है दीक्षा के। दीक्षा के गुणस्थान ये तीन ही है, सातवें में कभी दीक्षा होती नहीं है, छठे में भी नहीं होती दीक्षा। ये लोग गजब बात सुनी मैंने, तो तंग रह गया। क्या समझ में, दीक्षा के गुणस्थान पहले हैं, चौथे पांचवें, छठवें गुणस्थान में दीक्षा नहीं है, सातवें में दीक्षा नहीं है, पांचवें में जब दीक्षा हुई है या चौथे में दीक्षा हुई है तो फिर सीधा सातवां गुणस्थान आता है। क्यों आता है एक, और पहले क्यों नहीं आया था, पहले क्या कमी रह गई थी, कि पहले जो परिग्रह था ना बाहर में, ये भावों की विशुद्धि नहीं होने दे रहा था। ये देखो ये रोल है इस परिग्रह का, ये रोल हमारे समझ में नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि हम उस कंडीशन में पहुंचे ही नहीं है कभी। कभी उस कंडीशन में पहुंचे ही नहीं है। थोड़ा बहुत परिग्रह कम होते ही एकदम दिमाग हल्का सा हो जाता है, अरे ये क्या, ये क्या, मतलब कुछ आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, अरे चित मन, जैसे कहते हैं मन किस में लगाए, आप मोबाइल भी नहीं है, मन किस में लगाए आप। तो ऑटोमेटिक एकदम विशुद्धि बढ़ती है वहां पर, ऐसा फर्क पड़ता है। परिग्रह का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। तो सीधा सातवां गुणस्थान पहुंचता है, रिवर्स में फिर छठा आता है, ऐसा है। तो ये बात क्या चल रही है, कि ये परिग्रह है वो अंतरंग परिग्रह है वास्तव में,
और उस ज्ञानी के वो वाला परिग्रह नहीं है, इसलिए बाहर में पांच इंद्रियों के विषय भोग मौजूद हैं, वो उनको भोग भी रहा है तो भी उसके निर्जरा हो, ऐसा निर्जरा अधिकार है। ठीक है, तो ये कैसा है, निरालंबी है, ज्ञानी निरालंबी है। अब एक गाथा जो बीच में अपन ने छोड़ी थी ना, वो गाथा भी बीच में यहाँ पर स्पष्टीकरण आया, उस वक्त भी मुझे बता देना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ आया है तो यहाँ बता देते हैं। क्या गाथा आई है, धम्मच्छी अधम्मच्छी आयासम सुत्त मंग पव्वेशु संगम च तहानेयम देव मणु मणुअतिरिय यही है धर्मास्तिका है। इन्होंने दूसरा मीनिंग निकाल दिया, जो धर्म अधर्म शब्द आए थे ना जिनका हमने अर्थ निकाला था पुण्य और पाप, तो ये दूसरे आचार्य जो जैसेन आचार्य है उन्होंने दूसरा मीनिंग निकाला है। धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाशास्तिका है और सुत्त अंग पूर्व, सूत्र अंग पूर्व, ग्यारह अंग चौदह पूर्व, ग्यारह अंग चौदह पूर्व के सूत्र और देव मनुष्य त्रियंश नरक आदि पर्याय और सभी प्रकार के परिग्रह हैं, ये सब ज्ञेय हैं। ये बार बार आता था ना कि ज्ञानी तो ज्ञायक है, अपरिग्रहो अधम्मस्य जानगो तेन सो होति, जानगो ज्ञायक है, तो कह रहे कि ज्ञायक है ना वो सभी प्रकार के परिग्रह की इच्छा नहीं करता, वो सिर्फ उनको जान लेता है, ज्ञाता दृष्टा रहता है, इसलिए वो ज्ञायक ही बना रहता है, ये बात है। एक प्रश्न हाँ वो था ना, आहार की इच्छा है कि नहीं, बिना इच्छा के आहार कैसे करेगा बताओ, भोजन भी करे और इच्छा भी नहीं, ऐसे चलता ही है, इच्छा के बिना तो भोजन होता नहीं है। तो यह प्रश्न देखो सबसे नीचे है 232 पेज पे जयचंद जी छाबड़ा का, ज्ञानी को आहार की भी इच्छा नहीं होती इसलिए ज्ञानी का आहार करना वह भी परिग्रह नहीं है। यहाँ प्रश्न ये है कि आहार तो मुनि भी करते हैं और उनको इच्छा है कि नहीं, इच्छा के बिना आहार कैसे होएगा बताओ, इच्छा के बिना आहार कैसे होगा, ऐसा प्रश्न है। उस प्रश्न का उत्तर बहुत ही टेक्निकल भाषा में दिया है। कैसी टेक्निकल भाषा है, जोरदार भाषा है, हैं देखो जोरदार भाषा है। उत्तर ये दिया है कि असाता वेदनीय कर्म के उदय से तो उसे भूख लगती, ठीक है ना। अब जीव का तो कोई इसमें रोल नहीं है, भूख किसने लगाई, मतलब लगाई मतलब लगी, असाता वेदनीय कर्म के उदय से तो उसे भूख लगी, और वो भूख की जो वेदना हुई ना उसको जीव सहन नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि वीर्यांतर आय कर्म का क्षेत्रम था नहीं ज्यादा, जितना लेवल था उसके हिसाब से वो वेदना उसके सही नहीं गई, यदि थोड़ा ज्यादा लेवल होता तो शायद वो सहन भी कर लेता, लेकिन वो भी नहीं था, इसलिए उधर भूख लगाने का काम किया असाता वेदनी ने और उसको सहन न करने में सहयोग किया वीर्यांतर आय कर्म ने, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो उसने सहन भी कर, चलो कोई बात नहीं ना भी करे सहन, लेकिन अब फिर भोजन की इच्छा तो उसमें चारित्र मोहिनी कर्म का रोल हो गया खड़ा, तो कह रहे कि इन तीनों चारों कर्मों के पचड़े में ऐसा वो जोरदार किरा कि उसके बाद उसको ये समझ में नहीं आया कि मैं कैसे करे। देखो इसमें एक छोटा समझना है, ये वाला चार्ट बनाया कि असाता वेदनी से तो छुदा लगी भोजन, भूख लगी, और वीर्यांतराय कर्म के उदय से उसके मतलब वेदना सहन नहीं हुई, असह हो गई, और चारित्र मोहिनी कर्म से फिर भोजन की इच्छा हुई कि चलो लाओ भोजन करेते हैं, इसको भूख को मिटाते हैं, है ना। तो वो इच्छा कैसी हुई, मतलब खुशी खुशी हुई कि मजबूरी से हुई, वो इच्छा मजबूरी से हुई है, खुशी खुशी नहीं हुई है। देखो ये पंक्ति पढ़ता हूँ, यहाँ जो लिखी है पंक्ति, इसका उत्तर वाली जो भाषा है वही पढ़ देता हूँ। असाता वेदनी कर्म के उदय से जठराग्नि रूप क्षुधा उत्पन्न होती है, वीर्यांतराय के उदय से उसकी वेदना सही नहीं जाती है, और चारित्र मोह के उदय से आहार ग्रहण की इच्छा होती है, उस इच्छा को ज्ञानी कर्मोदय का काम जानते। अरे कर्मोदय से हुआ है, हमारा क्या है, हम थोड़े ही कर्मोदय का कार्य जानते हैं और उसे रोग समान जानकर मिटाना चाहते हैं। ज्ञानी के इच्छा के प्रति अनुराग रूप इच्छा नहीं है, इच्छा के अर्थात उसके ऐसी इच्छा नहीं होती कि मेरी यह इच्छा सदा रहे, उसके ये भी नहीं रहता कि मेरी इच्छा सदा बनी रहे, अच्छी है,
है, इच्छा तो कष्ट है, इच्छा तो हमेशा दुखी देती है। इच्छा तो जिनके जिनकी चाह गई चिंता मिटी, मन का वे परवाए है, और जिन्हें कछु नहीं चाहिए वे सहन के साथ, सहन सहा है मतलब। ऐसा ऐसा एक छंद चलता था, कभी सुना था पहले, कि चाह गई चिंता मिटी, चाह मतलब इच्छा खत्म हो गई, सब काम खत्म, जिनके इच्छा नहीं है वो तो सहन सहा है, अपने मन के मालिक हैं ऐसे, और जिनके इच्छा है वो इच्छा की पूर्ति में दूसरों के सामने एकदम दीनहीन हो जाते हैं। किसी को बीड़ी पीने की आदत है, किसी को सिगरेट पीने की आदत है, उसकी जेब में सिगरेट भी रखी है, जलाने की वो क्या बोलते हैं वो नहीं है, तो अब वो क्या करेगा, दूसरे से मांगेगा, अरे भाई तेरे पास है क्या, तो दीनहीन होकर के दूसरे के अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए दूसरे के सामने दीनहीन होना पड़ता है, ऐसा जगत का सिस्टम है। और जिनके इच्छा नहीं है स्वाधीन है, और स्वाधीनता में जो सुख है वो बहुत बड़ा सुख, ऐसा बताते हैं। अब यहाँ स्वामी जी स्पष्ट कर रहे हैं, गुरुदेव कामी स्वामी क्या स्पष्ट कर रहे हैं कि देखो यहाँ मिथ्यात्व सहित इच्छा को इच्छा कहा है। जो ज्ञानी जो भोजन कर रहे हैं, भोजन करने की इच्छा भी हुई है, वो वाली इच्छा देखा जाए तो इच्छा नहीं है, उस इच्छा के प्रति अनुराग रूप जो नई इच्छा है ना, वो इच्छा असली इच्छा है। तो ज्ञानी को जो अस्थिरता जनित इच्छा होती है उसे यहाँ इच्छा नहीं गिना, चारित्र मोह वाली को अस्थिरता जनित वाली इच्छा यहाँ गौण है, है? इसलिए क्योंकि उसे तो ज्ञानी परगे रूप से मात्र जानता है, ज्ञानी तो जानता है, ज्ञायक है वो, ठीक है। इस प्रकार से ये बात कुछ समझ में आई, और क्या क्या बच रहा है इसमें, काफी अभी तो एक पेज बच रहा है, चलो कोई नहीं, थोड़ी चर्चा और करते हैं, टाइम भी है वैसे तो। देखो एक पैराग्राफ इसी पेज के नीचे वाला है, बढ़िया है, वो भी सरल है इसलिए पढ़ता हूँ। भाई जो पुण्य को कमाने में लगे हैं, पुण्य कमाने में लगे हैं, हैं, हालांकि क्या करें, हमारी तो मजबूरी है, शुद्ध भाव में नहीं है, इसलिए अपन तो कमा लेना, ये बात ठीक है, करते हैं लेकिन कमा लेना। भाई जो पुण्य को कमाने में लगे हैं वे सब संसार के दुख के मार्ग में पड़े हैं, वे चार गति में भ्रमण करेंगे। क्या बात है, ये बात को ऐसे समझो, जो पुण्य कमाता है वो दुख कैसे पाएगा, पुण्य कमा के स्वर्ग गए ना, फिर दुख काहे का, लॉजिक तो यही कहता है कि हाँ बात तो ठीक है, पुण्य कमा के आप स्वर्ग चले जाओगे, ठीक है, स्वर्ग की कितनी आयु है मैक्सिमम, वो पूरी होने के बाद क्या होगा। क्या होगा फिर, तो कह रहे कि वो दुखों से छुटकारा नहीं है, टेम्परेरी आपको थोड़ा ठीक है लेकिन बाद में छुटकारा नहीं है, बल्कि स्वर्ग पता है, स्वर्ग में जान आए, स्वर्ग से आने वाले जीव वो बहुत निकृष्ट हो सकते हैं, और नरक से आए आने वाले जीव कभी भी असंगी नहीं बनेगा, संगी पंचेंद्री बनेगा, ये और बात है, ये भी पता है कि नहीं, मतलब आपने पुण्य कमाया स्वर्ग गए, और स्वर्ग के देव जब आयु पूरी होने के 6 महीने पहले उसको पता लग जाता है कि मैं मरने वाला हूँ, अब मेरी आयु पूरी होने वाली है, तो जैसे मान लो आप अपने जीवन पे घटित करो, आपको कोई डॉक्टर वैद्य ज्योतिषी क्या बोलते हैं कोई अवधि ज्ञानी मिल जाए, वो कह दे कि भाई 6 महीने के बाद आप, तो कैसा लगेगा, कितने टेंशन में कटेंगे ये, कोई कोई तो सोचेगा चलो ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोग तो टेंशन में आ जाएंगे बहुत, है ना, तो वो देव बहुत दुखी हो जाता है। और दुखी इसलिए भी हो जाता है, दूसरा कारण ये भी है कि यहाँ तो इतना वैभव है, इतना आनंद है, सब कुछ ठीक है, और न जाने क्या होगा मेरा, जाने कहाँ जाऊंगा, और बहुत आर्त रोध परिणाम संकलेश परिणामों से वो प्राण छोड़ता है, जिससे कि वो एकेंद्रीय वनस्पति कायिक जीव बन जाता है, पेड़ पौधा बन जाता है, स्वर्ग का देव पेड़ पौधा बन जाता है, इतनी दुर्दशा हो जाती है। तो इसलिए जो ये पुण्य करके दुख पाने की जो बात आई है ना, वो ऐसे इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, जो पुण्य कमाने में लगे हैं वे सब संसार के दुख के मार्ग में पड़े हैं, वे चार गति में भ्रमण करेंगे, तथा जिन्होंने आत्मा का स्व संवेदन ज्ञान प्रकट कर लिया है वे धर्म के सुख के पंथ में, जिन्होंने आत्मा को जाना वो सुख को प्राप्त करें। आत्मा वैसे जानने में आए ना आए, लेकिन जानने की चेष्टा तो करो। जैसे एक गृहस्थ का ये कर्तव्य होता है कि वो मुनि को पहले भोजन दे दे, उसके बाद अपना भोजन करे, ठीक है ना।
अब ये लाइन जब हमने पढ़ी शास्त्र में तो सहज स्वाभाविक ये प्रश्न उठा, अरे रोज रोज कब मुनि आएंगे, और मुनिराज नहीं आएंगे तो हम उनको भोजन दिए बिना क्या भूखे बैठे रहेंगे? क्या समझ में भाई, रोज रोज तो मुनिराज आएंगे नहीं, और आप कह रहे हो कि मुनिराज को पहले भोजन देना चाहिए तभी करना चाहिए, नहीं तो ऐसे थोड़ी चलता है, हम क्या भूखे थोड़ी रहेंगे? ऐसा प्रश्न हमारे दिमाग में उठा था पहले बचपन में, तो हमको उत्तर मिला उसका कि देखो मुनिराज आए या ना आए, तुम्हारी ड्यूटी तुम पूरी कर दो, भोजन बन गया बनती तुरंत एकदम खाना पीना शुरू नहीं करो, पहले 10 मिनट 5 मिनट वेट कर लो, हैं जो जो फॉर्मेलिटी जैसी करते हो वैसा कर लो, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो तुम्हारा कर्तव्य हो गया, फिर तुम कर लो, है ये उत्तर दिया था। ऐसे ही यहाँ पर आत्मा का अनुभव हो ना हो घबराने की बात नहीं है, लेकिन उसका अनुभव करने का कुछ ड्यूटी तो करो, ये मतलब ड्यूटी करो, होगा ठीक है, नहीं होगा तो आपने ड्यूटी तो की कुछ, ऐसा ऐसा मैंने जिसने निर्मल स्वानुभूति में चिदानंद घन स्वरूप भगवान आत्मा को पकड़ लिया है उसे अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है, उस आनंद के काल में उसे शुभ भाव भी होता है, तथापि उस शुभ भाव का उस समय वह मात्र ज्ञाता ही रहता है, ज्ञाता ही रहता है। ठीक है, अब इसके बाद में एक प्रश्न और रखा है कि ज्ञानी धर्म को नहीं चाहता अधर्म को नहीं चाहता, है ना, चलो धर्म को नहीं चाहता वो आपने समझा दिया कि धर्म माने पुण्य, तो समझ में आ गई बात, लेकिन अधर्म को नहीं चाहता ये क्या बात हुई? पहले तो ये नहीं समझ में आ रहा था धर्म को क्यों नहीं चाहता, धर्म तो अच्छी बात है, शुद्ध उपयोग की बात, तो उन्होंने कहा नहीं 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 शुद्ध उपयोग नहीं, ये व्यवहार धर्म की बात है, पुण्य को नहीं चाहता, अच्छा ठीक है पुण्य को नहीं चाहता ठीक है चलेगा, लेकिन पाप को नहीं चाहता, क्या ज्ञानी के जीवन में पाप होते हैं क्या जो नहीं चाहता? तो कह रहे कि हाँ होते हैं, कभी कभी अशुभ भाव भी आते हैं ज्ञानी को, ज्ञानी को अशुभ भाव भी आते हैं, हैं जैसे भरत चक्रवर्ती युद्ध करने गए तो क्या वो शुभ भाव था क्या? युद्ध करना कोई शुभ भाव होता है? अशुभ भाव होता है, घर गृहस्थी में रहते 5 इंद्री के भोग भोगते तो वो शुभ भाव थोड़ी होते हैं, अशुभ भाव होते हैं, तो उन अशुभ भावों के होते समय भी वो उनका ज्ञायक रहता है, उनको अच्छा नहीं समझता है, उपादेय नहीं मानता है, ये बात है ना। तो इस प्रकार क्या ज्ञानी के मिथ्यात्व सहित अज्ञानमय भाव होते हैं? तो उत्तर है कि ज्ञानी के मिथ्यात्व सहित अज्ञानमय भाव तो नहीं होते, लेकिन अज्ञानमय का अर्थ सर्वत्र मिथ्यात्व सहित नहीं होता है, हर जगह मिथ्यात्व वाला ऐसा नहीं, ज्ञानी के जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं उनमें चैतन्य की किरण नहीं होने से उन्हें भी अज्ञान भाव कह देते हैं, पुण्य पाप के भावों में ज्ञान नहीं है, चैतन्य नहीं है, वो कुछ जानते नहीं है, इसलिए वो अज्ञान है ना, मतलब मिथ्यात्व तो नहीं बचा उसके, लेकिन ये जो परिणाम है ये परिणाम कर्म के विकार है, ये ज्ञान से विपरीत स्वभाव के हैं, इसलिए अज्ञान वाले हैं, ऐसा अर्थ है। देखो मैं कह रहा था इच्छा की इच्छा का क्या अर्थ, वो यहाँ आया है पेज 235 हिंदी किताब में, क्या आया है कि ज्ञानी की इच्छा तो है परंतु यह इच्छा ठीक है, ज्ञानी के ऐसा मिथ्या भाव नहीं है, इच्छा है ये ठीक नहीं है, ये सुख का कारण नहीं है, है? ऐसी बहुत बातें हैं, पुराने भोग होते हैं उनको हम कभी कभी याद करते हैं, और वो दिन तो बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया था, ये था वो था, ऐसा ज्ञानी नहीं सोचता है न कुछ अच्छा नहीं ज्ञानी इच्छा को उपाधि नहीं मानता, क्योंकि इच्छा तो अज्ञान में भाव है, अज्ञान में भाव ज्ञानी के होते नहीं है, है ना, बात वही है। चलो इसके आगे की बात क्या है, इस कथन से एक एक इसके ऊपर वाला लाइन पढ़ो, इच्छा राग है अज्ञान है, यहाँ अज्ञान का अर्थ मिथ्यात्व नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व चला गया, ज्ञानी है ये तो, बल्कि ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा जिस तरह ज्ञानमय है उसी तरह इच्छा ज्ञानमय नहीं है, आत्मा ज्ञानमयी है, इच्छा ज्ञानमयी नहीं है, इस कारण इच्छा को अज्ञान कहा है, इच्छा अज्ञान है, ठीक है, और ऐसा ज्ञान में भाव उसका होता है नहीं, इच्छा का इच्छा नहीं होती, इस प्रश्न इस कथन से, ये प्रश्न है, इस कथन से यही सिद्ध होता है कि राग कर्म का कार्य है आत्मा का नहीं, ऐसा लगता है राग कर्म का काम है
आत्मा का नहीं, तो उत्तर क्या दे रहे हैं कि भाई राग रूपी कार्य अपना स्वभाव नहीं है, कर्म का कारण है वो ठीक है, लेकिन दोनों अपेक्षा पिछले व्याख्यान में बताई थी वो मोक्षा प्रकाशक वाली है, वो आत्मा में ही उत्पन्न होता है, उस दृष्टि से आत्मा का है, लेकिन विभाव है इसलिए आत्मा का नहीं है दोनों है। तो भाई राग रूपी कार्य अपना स्वभाव नहीं है इस अपेक्षा से ऐसा कहा है। वैसे देखा जाए तो राग है तो आत्मा की पर्याय का ही काम, राग कहाँ उत्पन्न होगा, आत्मा में ही होगा है ना, इसलिए। परंतु वह अपने स्वभाव का काम नहीं है, निमित्त के कारण हुआ है, इस अपेक्षा से कर्मोदय का काम है। ज्ञानी इस बात को जानता है, इसलिए वो उस राग में उस इच्छा में खुश नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता, और उस इच्छा को भी अच्छा नहीं मानता, उस इच्छा से भी अपना भला होना नहीं मानता। यही कारण है उसके निराश्रवी रहने का, निर्जरा का पात्र बने रहने का। ठीक है, तो इस प्रकार से ज्ञानी के जीवन में परिग्रह नहीं है। परिग्रह के बारे में एक छोटी सी कहानी और सुना के बात पूरी कर देते हैं। ये परिग्रह की बड़ी विचित्र है, आदमी के पास जितना जो होता जाता है उसका मन नहीं भरता है। केरल की ये घटना है, कहानी है, मतलब वहां की लोक कथा है। तो वहां केरल में नारियल के बहुत पेड़ थे, तो एक आदमी नारियल खरीदने गया बाजार में, तो उसने कहा ये कितने का है, कि 10 रुपए का है। तो कंजूस आदमी था, 10 रुपए का तो बहुत ज्यादा देते हो, 5 का दो ना। तो उसने कहा 5 का लेना है तो आगे जाओ, आगे मिलेगा। वो आगे गया तो वहां पूछा कितने का है, कि 5 रुपए का। कि 5 रुपए का नारियल देते हो, अरे 5 रुपए भी लोगे क्या, इतने तो नारियल के पेड़ है यहाँ, फ्री का ही तो आता है तुमको, एक फ्री में दे दो मेरे को। पहले 10 का मिल रहा था तो 5 का मांगा, अभी 5 का मिल रहा था तो फ्री का मांगा। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है तुमको फ्री का चाहिए तो वहां और आगे जाओ, खूब जंगल में पेड़ ही पेड़ है, वहां खूब नारियल लगे हैं, तुम खुद ही तोड़ लेना जितने चाहिए जाओ। अब वो आदमी गया तो नारियल के पेड़ इतने ऊंचे लगते हैं पहली बात तो, और फिर मजबूत और टूटते नहीं जल्दी से, उसको कुल्हाड़ी से काटना पड़ता है, एकदम मजबूत, एक तो ऊंचा दूसरा मजबूत, दो कारण। तो अब वो लोभी तो था, जैसे तैसे पेड़ पे चढ़ा, चढ़ के उसको ऐसा तोड़ने के लिए पकड़ा, लेकिन वो टूटता नहीं है, और उसको खींचते खींचते पैर और छूट गया, उसके लटक गया, लटक गया। अब वो गिरने का डर, अरे गिर जाऊंगा क्या होएगा। तो उधर से एक ऊंट वाला जा रहा था, हैं तो भाई ऊंट वाला तू रुक रुक मेरे को पैर पकड़ के उतार ले यहां से, गिर जाऊंगा मैं क्या। उसने क्यों उतारू, अरे भाई तुझे मैं 100 रुपये दूंगा, 5 रुपये बचाने के लिए 100 रुपये दूंगा। उनका चल भाई ठीक है। तो वो उस पे उसको पैर पकड़ के ऐसे उतारने वाला था, तभी वो उसको पैर जैसे पकड़ा वो ऊंट निकल के नीचे से चला गया, वो भी उसके नीचे लटक गया। तो अब उसका वजन और बढ़ गया, वजन भी बढ़ गया और हाथ भी दुखने रहे, बहुत दुखी हो गया। ऐसी बातें बातों में उसने कहा अरे भाई तू मुझे बचा लेना, मैं तुझे बहुत धन दूंगा, बहुत धन दूंगा, कैसे भी करके बचा ले। कि कितना धन देगा, कि इतना दूंगा, ऐसा हाथ हाथ को जैसे पकड़ा था ना नारियल के, छोड़ दिया, हाथ छूट गया तो नीचे गिर गया, वो आदमी भी नीचे गिर गया, दोनों नीचे गिर गए। तो ये सजा मिली किससे, ये परिग्रह के लोभ से, लोभ है परिग्रह है इसकी ये सजा है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी तो इच्छा का अपरिग्रही है, वो तो सिर्फ ज्ञाता है, है बाहर में जो होता है अच्छा बुरा सबका ज्ञाता है, और जो ऐसा रहता है तटस्थ रहता है वो सुखी रहता है, और जो तटस्थ नहीं रहता रागी द्वेषी होता है वो कर्म बांधता है। ये है इसका सार सीधा सीधा, है ना। ये किताब की भाषा कठिन हो सकती है लेकिन भाव ये है। ठीक है, इस प्रकार से आज की बात को यही विराम देते हैं। धन्यवाद सर। ये ज्ञानी की बात तो बहुत अच्छी कही आपने, लेकिन अभी हमारी बात करें तो हम तो ज्ञानी नहीं है, तो लिमिट बांधना जरूरी है ना लाइफ में, जिंदगी निकल जाती है धीरे धीरे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। इस बात से एक बात और भी याद आई, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बढ़िया। इसमें एक बात ये याद आई, बहुत अच्छी बात है कि
जैसे 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां, कभी मैंने सुनाया कि नहीं सुना, पता नहीं, मैंने नहीं सुनाया दिखता है आपको, तो 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां हैं और उनके तो नाम भी नहीं जानते हम, ज्यादा आपको फुल दे देना छूट के आप सुनाइए, जी भर के सुनाइए, तो 100-100 नाम के बाद तो आदमी हार जाएगा, बोलेगा कि इसके बाद तो मुझे नहीं मालूम क्या है। तो हम 100-200 की लिमिट बना लेंगे ना खाने की, कि मैं इतने ही खाऊंगा, तो बाकी वो 10 लाख में से 100-200 माइनस करके बाकी के त्याग का फल आज से मिलना शुरू हो जाएगा। यदि हम ऐसा नियम नहीं लेंगे तो भले ही उनको जीवन में कभी भी नहीं खाएंगे, तो भी उनके अत्याग का, अत्याग, त्याग नहीं, त्याग के अपोजिट, उसका पाप चालू ही रहता है, चालू रहता है, बराबर। कम मौका लगेगा, जो मिलेगा ठीक है सब खा ले, तो अत्याग का, ये आपने सही कहा, इसलिए लिमिट बना लेनी चाहिए, हर चीज की लिमिट बना लो, सही है, जितनी जितनी कर सकते उतना कर लेते हैं। हमारे पिताजी ने बनाई थी एक लिस्ट, बना ली थी पूरी, कुछ 40-50 चीजें थी उसमें, अनाज बनाज सब, हल सब्जी सब लिख दिया उन्होंने, और उसको पूरा एक जगह बना के रख दिया कि इसके बाहर कुछ भी नहीं। सर ये जो खाने की बात कही ना अपने त्याग की और अत्याग की, हाँ, जो चीज हम कभी खाने वाले है ही नहीं, हाँ, तो उसका त्याग का कंसेप्ट ही थोड़ा मीनिंगलेस नहीं है। कोई हाँ, चाइना अच्छा में भूखता है, मैं बोलूं कि मैं नहीं खा रहा हूँ, तो ये तो एक तरह का चीटिंग हो गया ना। मैं समझ गया आपका प्रश्न, बहुत अच्छा है आपने प्रश्न तो बहुत बढ़िया पकड़ा, लेकिन इसका उत्तर आप सुनिए, बहुत अच्छा है इसका उत्तर। इसका उत्तर पर एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लो किसी एरोप्लेन को वो कर लेते हैं ना, हाईजैक कर लेते हैं और उसको बस को, बस यात्रियों को बंदी बना लेते हैं वो बॉर्डर पे नक्सली वाले लोग, तो मान लो एक बस में 50 आदमी थे, 50 को बंधक बना लिया है और बोलते हैं कि हमारा एक आतंकवादी तुम्हारे देश से छोड़ो, नहीं तो हम तुम्हें से किसी दो को मारेंगे, है किसी दो को मारेंगे, ऐसा कहा तो 50 लोग पूरे डरे हुए हैं, न जाने किसका नंबर है, किसको मारेंगे, है ना, तो पूरे 50 के 50 डरे हुए हैं। लेकिन एक दिन वो आया, उसने कहा देखो आज मैं उन दोनों के नाम बताने वाला हूँ, अब उसने 2 नाम डिक्लेयर कर दिए, ठीक है, वो 2 तो खैर डरेंगे ही, सीधी बात है, लेकिन बाकी 48 लोग एकदम निश्चिंत हो गए, एकदम निश्चिंत हो गए, चलो हम तो बचे, चैन की सांस आ गई, है ना। इसी तरह से है ना, वो जो 10 लाख प्रकार की वनस्पति जानते भी नहीं है, लेकिन उनके अत्याग का इसलिए है कि देश का परिस्थिति में कभी कोई मौका लगे और हम, हमारे लिए तो खुली छूट है, कहने का मतलब ये है ना, एक तो ये कारण है, दूसरा क्या है, हमारी लालसा की एक लिमिट नहीं रही, हमारे लोभ की, तृष्णा की, इच्छा की लिमिट नहीं रही, एक उसका संयम भाव। आपका प्रश्न तो बराबर है, लेकिन इसमें मतलब और भी कई चीजें छुपी हुई हैं, मतलब जैसे क्या होता है, अरे जैसे कोई कहते हैं कि हम रात में तो नहीं खाते, लेकिन क्या करें, नियम भी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि है कोई छूट है, ठीक है दोनों बात, तो उसमें क्या होता है कि वो प्रॉपर जो है फल उसका नहीं मिलता है, ये भी एक बहुत बड़ी है इसकी पीछे है, तो इसको थोड़ा सोचना और सोचना, मैं शायद कितना स्पष्ट कर पाया मालूम नहीं सोचना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना, इतना तो मैं समझ सकती हूँ, मैं सोच सकती हूँ कि अगर हम सभी जो नहीं उपयोग करते उसको हम क्या है कि जो जीवन प्रदान करते हैं, ऐसा सोचती हूँ कि हम उसको हाँ। डर तो नहीं लग रहे कि हम क्या उसको खा ले, अभय दान दे दिया है पैसा, या हाँ एक क्या होती है सीमा रेखा, संयम होते हैं, बाउंड्री वॉल तो बनानी पड़ती है ना, जैसे लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ती है, तो इसलिए ऐसा, ठीक है। और ऐसे है ना कि अपने जीने के लिए कितने कितने वनस्पति को मारेंगे, कितने वो करेंगे, बहुत बहुत है, तो इस तरह से पहले के जमाने में तो जैनों में जलाने की परंपरा नहीं थी कोई मृतक को, क्योंकि उसमें लकड़ी जलाते है, वायु काई, अग्नि काई, और कितने प्रकार के जीव मरते हैं, तो ऐसी परंपरा पहले बहुत पहले कभी बताते हैं कि नहीं थी, ये बाद में चल पड़ी ऐसा कोई दौर आया था, तब थोड़ी सी कुछ ऐसी सामाजिक परिस्थितियां ऐसी बनी कि तब ये परंपरा शुरू हो गई, ऐसा बताते, ठीक है।
ठीक है सर, ठीक है जी, जय 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 जय, थैंक यू थैंक यू।